दोस्तों, अगर आप 10 से 15 हजार के बजट में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में बताया हूं, जो आपको 10 से 15 हजार के रेंज में मिलते हैं। और इन सभी स्मार्टफोन में प्राइस के हिसाब से फीचर एकदम जबरदस्त है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर है मोटो G54 5G। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, 50 MP OIS डुअल रियर कैमरा है, और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा है, 6000 mAh का बैटरी है, और साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर मिलता है, और ये फोन दो वेरिएंट में आता है। इन दोनों का प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है Samsung Galaxy F15 5G। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 6000 mAh का बैटरी है, 50+5+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा है, और फ्रंट में 13 MP का सेल्फी कैमरा है, और प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और आप इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 13,500 रुपया। इसके बाद तीसरे नंबर पर है Realme Narzo 65G। इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, 5000 mAh बैटरी है, और साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, और इसमें 64 MP का बैक कैमरा है, और फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा है, और इसमें MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर है, और इसका 8GB रैम 128GB स्टोरेज का प्राइस है 14,999 रुपया। इसके बाद चौथे नंबर पर है Vivo T2 5G। इसमें 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 64 MP का OIS डुअल रियर कैमरा है, और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा है, 4500 mAh का बैटरी है, और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Snapdragon 695 प्रोसेसर है, और इसका 6GB रैम 128GB वेरिएंट का प्राइस है 15,999 रुपया। लेकिन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बाय करोगे तो 14,999 रुपया में मिल जाएगा। इसके बाद पांचवे नंबर पर है पोको M6 Pro 5G। इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, 5000 mAh का बैटरी है, और 50+2 MP का ड्यूल रियर कैमरा है, और फ्रंट कैमरा 8 MP का है, और इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। और इस फोन का रेम रोम की बात करें तो ये फोन तीन वेरिएंट में आता है, 4GB, 6GB, 8GB, और इन तीनों वेरिएंट का प्राइस आप सब डिस्प्ले पर देख सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। और मैं ये जितने भी फोन बताया हूँ ये सभी अपने अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। तो आप सबको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए टेकी मुकेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।